हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो सब सेल के शेप, नोड एंड उसके ग्राफ से रिलेटेड होगा। और इस ट्रिक से आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड करेक्टली भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक या कंसेप्ट नंबर वन के बारे में। तो देखो, अगर एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स हो गई तो उससे सब सेल भी क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अगर कहीं पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो है तो डेफिनेटली वो ए सबसेल होगा। डजेंट मैटर कि वो किस सेल में है, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो एंड सो ऑन, कोई भी s हो, अगर s सबसेल है तो l फिक्स है जीरो, राइट। और इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए आप समझ सकते हो फुटबॉल या क्रिकेट बॉल टाइप का इसका शेप होता है, राइट। ये शेप का क्या मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन है, एरिया है जिस टाइप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका स्फेरिकल रीजन होता है, राइट, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। चूँकि आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो है वो हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो ये सारे डायरेक्शन में है, इसलिए हम इस शेप को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल है या डायरेक्शन लेस है इन नेचर में। रही बात नोडल प्लेन की, तो नोडल प्लेन क्या है वो भी क्लियरली समझ लो कि एक ऐसा प्लेन जिससे आप कट करो अगर इसको, तो इसका शेडेड पार्ट, शेडेड एरिया उस प्लेन पे नहीं आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं किसी भी प्लेन से कट करूँ तो उस पर शेडेड पार्ट आएगा ही, राइट। 360 पे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो इस पर शेडेड पार्ट आएगा ही, चाहे कैसे भी कर लूँ। इसलिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे नोडल प्लेन हो जाएंगे जीरो, वेरी सिंपल है, राइट। क्यों, क्योंकि आप फुटबॉल लो, उसको कैसे भी कट करो उस पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा ही। सिमिलरली अगर कहीं पे एल की वैल्यू वन होती है तो उससे फिक्स हो गया कि वो पी सबसेल है। उस सबसेल का नाम क्या हो जाएगा, पी। नेचर में उसका शेप कैसा है, डंबल टाइप, डंबल टाइप है, राइट, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। चूँकि विनो के जो पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, राइट, तीन घर होते हैं, इसमें यूनो एक ही घर होता है, तो एक का नाम पी एक्स, एक का नाम पी वाई, एक का नाम पी जेड। डैट मीन्स ये ऑन द एक्सिस पे होते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। अगर मैं पी एक्स बोलूँगा तो वो एक्स एक्सिस पे उसके डंबल शेप होंगे। डैट मीन्स ये जो शेडेड रीजन मैंने बताया, यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, राइट। सिमिलरली पी वाई बोलेंगे तो वाई एक्सिस पे होगा वो, और पी जेड बोलेंगे तो जेड एक्सिस पे, चूँकि ये बोर्ड है मैं दिखा नहीं सकता, एक्चुअली जेड एक्सिस ऐसे होंगे, राइट, और इसके अप एंड डाउन में, बोर्ड के प्लेन के अप एंड डाउन में ये ऑर्बिटल है। क्लियर है पॉइंट। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ध्यान से देखो तो इन सब में एक एक नोडल प्लेन होगा। जैसे एक्स के लिए बात करें तो ये वाई जेड एक नोडल प्लेन है, वाई के लिए बात करें तो ये एक्स जेड एक नोडल प्लेन है। क्यों, क्योंकि इसे मैं कट करूँगा तो ध्यान से देखो इस पर शेडेड पार्ट नहीं आ रहा है, राइट। और जेड के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई होगा नोडल प्लेन, राइट। तो हर एक के लिए एक एक नोडल प्लेन है। याद कैसे रखेंगे, वेरी सिंपल, अगर पी एक्स है तो इसका नोडल प्लेन कौन हो जाएगा, एक्स को छोड़ करके, दैट इज वाई जेड। अगर पी वाई है तो इसका नोडल प्लेन कौन हो जाएगा, वाई को छोड़ करके, दैट इज एक्स जेड। और अगर पी जेड है तो इसका नोडल प्लेन कौन हो जाएगा, जेड को छोड़ करके, दैट इज एक्स वाई। तो वेरी सिंपल है, नोडल प्लेन कौन होंगे, कितने नोडल प्लेन होंगे, ये सब पूछा जा सकता है। इसके जो ऑर्बिटल हैं, जैसे इसका शेप है, वो किस पे, ऑन द एक्सिस पे, राइट। तो सिंपल है ये। नेक्स्ट हमारा जो है कि अगर एल की वैल्यू टू होता है तो वो फिक्स हो गया, डैट इज डी सबसेल है वो। और वी नो डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, पांच घर होते हैं, राइट, तो इसलिए इसका जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है। डैट मीन्स पी एक्स या पी वाई, पी जेड जैसा होगा, लेकिन इसमें एक डंबल है, उसमें डबल डंबल होते हैं। तो टोटल जो पांच ऑर्बिटल हैं उसमें से दो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, और तीन ऑर्बिटल जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं। ऑन द एक्सिस वाले कौन है, एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक्स वाई एक्सिस पे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई एक्सिस पे, तो इसलिए ध्यान से देखो एक्स वाई एक्सिस पे हमने दिखाया डबल डंबल है ये, राइट। एक होता है डी जेड स्क्वायर, तो जेड एक्सिस पे उसका एक डंबल रहेगा, और उसके बाद इसके चारों ओर एक रिंग बनी होती है। लाइक सपोज करो अगर ये हमारा डंबल टाइप है तो इसके चारों ओर इस टाइप से एक रिंग होगी, राइट, तो इसलिए इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। और ये दोनों ऑन द एक्सिस पे हो गए, ये कौन से एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे, और ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इन बिटवीन द एक्सिस वाले तीन हैं, राइट, बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत
ये काम आता है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो जैसे अगर मैं डी एक्स वाई बोलूँ तो इसका मतलब वो एक्स वाई एक्सिस के बीच है, इसलिए यहाँ पे हमने दिखाया एक्स एक्सिस लिया वाई एक्सिस और उनके बीच में दिखाना है 45 डिग्री एंगल पे, तो डी एक्स वाई हो जाएगा। सिमिलरली डी वाई जेड बोलेंगे तो वाई जेड एक्सिस के बीच में होगा वो, और डी एक्स जेड बोलेंगे तो एक्स जेड एक्सिस के बीच में होंगे, राइट। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन से मैंने एक दिखाया, एक्चुअली में तीनों है, शेप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सिर्फ एक्सिस चेंज हो जाएगी, क्लियर है। अगर नोडल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास दो नोडल प्लेन आएंगे, एक देखो ये 45 डिग्री एंगल पे एक्स वाई के बीच में और एक ये, राइट। क्योंकि इस प्लेन से अगर मैं कट कर रहा हूँ तो इस पर कोई भी इसका शेडेड पार्ट नहीं आ रहा है, तो इसमें नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, दो। इसमें नोडल प्लेन हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि आप कैसे भी कट कर लो एक रिंग है चारों ओर से, राइट, तो वो रिंग वाला पार्ट इस पर आएगा ही चाहे आप कैसे भी कट कर लो, राइट। तो इसलिए इसमें नोडल प्लेन है जीरो। इसमें अगेन नोडल प्लेन आपके दो जाएंगे, एक ये वाला आप देख सकते हो और एक ये वाला, राइट। तो इन सब में नोडल प्लेन कितने हैं, टू टू टू, राइट। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि डी सबसेल में नोडल प्लेन कितने हैं तो आपको बोलना है टू, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर उसमें जीरो है, राइट। तो यहाँ से एक और पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि नोडल प्लेन उतना ही होगा जितना एल की वैल्यू होगी। जैसे देखो एस में एल की वैल्यू जीरो थी, नोडल प्लेन भी जीरो था, राइट, डेट इज एजीमेथल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। पी में एल की वैल्यू वन थी, नोडल प्लेन हर एक के पास एक था। डी में एल की वैल्यू टू थी, नोडल प्लेन टू था, राइट। तो ये हम कह सकते हैं, बट कंडीशन ध्यान रखना है डी जेड स्क्वायर जो अभी समझा आपको, चूंकि चारों तरफ से एक रिंग टाइप का है तो उसमें नोडल प्लेन जीरो है, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, राइट। और एस में भी तो नोडल प्लेन जो है जो कि फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी कैन से कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू एजीमिथल क्वांटम नंबर एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, उसमें ये नहीं लग रहा है। और अगर इसमें इसका नोडल प्लेन पूछा जाए डी एक्स वाई का, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई यूज हो गया, राइट, तो जेड बचा हुआ है, तो एक्स वाई को जेड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डी एक्स वाई का अगर मुझे नोडल प्लेन बताना हो तो एक बार एक्स के साथ जेड और एक बार वाई के साथ जेड, एक्स जेड और वाई जेड प्लेन जो हो जाएंगे इसके नोडल प्लेन हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखो, ये एक्स जेड एक नोडल प्लेन और ये एक वाई जेड एक नोडल प्लेन। वैसे ही डी वाई जेड में मिसिंग कौन है, x मिसिंग है, तो एक एक्स वाई हो जाएगा, एक एक्स जेड हो जाएगा। वैसे डी एक्स जेड में मिसिंग कौन है, y, तो एक एक्स वाई हो जाएगा और एक वाई जेड नोडल प्लेन हो जाएंगे। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करेगा, इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है, आपको पाँच छः ऑर्बिटल दे देंगे कौन एक्सिस पे लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पी एक्स ऑन द एक्सिस है, राइट, पी वाई भी ऑन द एक्सिस है, पी जेड ऑन द एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस है, डी जेड स्क्वायर ऑन द एक्सिस है। तो ये पांच ऑर्बिटल हैं जो ऑन द एक्सिस हैं। कौन इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो ये तीन डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे भी गए और पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नोड, राइट। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड जिसको आर एन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, एक होता है एंगुलर नोड ए एन से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नोड। इसलिए टोटल नोड किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, राइट। तो अगर कहीं पे हमें रेडियल नोड निकालना हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n माइनस एजीमिथल क्वांटम नंबर l माइनस वन, राइट। और इसको कैसे पहचानेंगे, सिंपल देखो 4s अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आगे का जो नंबर है वो आपका n को बताता है, राइट। और s अभी बताया कि s बोलते ही l की वैल्यू फिक्स हो गई, डेट इज जीरो। P बोलते ही L की वैल्यू 1, D बोलते ही L की वैल्यू 2 एंड सो ऑन, और ये एक फिक्स नंबर है 1। तो यहाँ से आप रेडियल नोड निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। एंगुलर नोड बहुत ही ईजी है, डैट इज ओनली डिपेंड ऑन एजीमिथल क्वांटम नंबर, डैट इज L पे डिपेंड करता है। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल नोड आ जाएगा, डैट इज n माइनस 1। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो ध्यान दें, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ये एजीमिथल क्वांटम नंबर पे, और ये दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। इस पे बेस क्वेश्चन कई बार पूछे गए और कैसे पूछे जा सकते हैं तो वो यहाँ देखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में किसके पास दो रेडियल नोड है और दो एंगुलर नोड है। तो रेडियल नोड आप कैसे निकालेंगे, अगर इसका निकालना हो तभी बताया, 5 माइनस डी के लिए एल की वैल्यू फिक्स हो गई, डैट इज 2 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 2, राइट। तो दो रेडियल नोड आ रहा है। एंगुलर नोड डायरेक्ट एल की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू होता है 2, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएंगे। एग्जाम में अगर आता तो सबसे पहले आप एंगुलर नोड पे
अटैक क्या करो, क्यों? क्योंकि अगला नोड एक ही नंबर पे डिपेंड कर रहा है, डेट इज अजीमथ वॉल, तो डी के लिए ही एल की वैल्यू 2 होती है, राइट? क्योंकि आगे के नंबर से एंगुलर नोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, राइट? तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही आउट हो जाते हैं। अब इन दोनों में से कोई चुनना था, तो अब आप रेडियन नोड निकाल करके बता सकते हैं कि ए होगा या बी, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर n 4 है, m माइनस 3 है, तो नंबर ऑफ रेडियन नोड, तो ध्यान से देखो, अगर m माइनस 3 हो रहा है तो ये कब हो सकता है? जब l की वैल्यू 3 हो, क्योंकि l 3 होगा तभी m माइनस 3 टू प्लस 3 हो सकता है, राइट? तो इसका मतलब ये कौन हो गया? 4f, क्योंकि l की वैल्यू 3 है तो वो f होगा, और n 4 है तो अब हमसे रेडियन नोड, तो 4 माइनस f के लिए 3 माइनस 1, तो कितना हो गया? 0, तो आंसर हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंगुलर नोड 0 होना चाहिए, रेडियन नोड 2, अगेन वही वैसा ही टाइप, तो एंगुलर नोड 0 होना चाहिए मतलब S वाला होगा, तो ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन गया, और रेडियन नोड 2 तो ये वाला होगा, क्यों? क्योंकि 3 माइनस 0 माइनस 1 तभी आएगा 2। तो इस टाइप से पी बाई क्यू में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, 4D में पूछा गया कि रेडियन नोड और एंगुलर नोड कितने होंगे रेस्पेक्टिवली। तो हमने बोला कि जब भी एंगुलर नोड आए तो पहले उस पर ही अटैक करो। एंगुलर नोड इसका D, L की वैल्यू हो गई 2, तो 2 होना चाहिए, राइट? तो ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, राइट? तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गए। इस टाइप से आपको अप्रोच करना है। और रही बात रेडियन नोड की, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 1, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि अगर ये 5 ऑर्बिटल आपको दूं तो कितने ऑर्बिटल में रेडियन नोड 5 होगा। अब यहाँ पे रेडियन नोड पूछा गया, तो 7s में क्या हो जाएगा? 7 माइनस 0 माइनस 1 डेट इज 6, राइट? तो ये नहीं होगा। 7p में कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 माइनस 1 तो डेट इज 5, तो इसमें हो जाएंगे। 6s में कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 6 माइनस 0 माइनस 1 डेट इज 5, तो इसमें भी हो जाएंगे। 8p में ध्यान से देखो, 8 माइनस 1 माइनस 1 तो कितना? 6 हुआ, तो इसमें नहीं होगा। 8d में देखो, 8 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया? 5, तो इसमें हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, मोमेंटम। तो मोमेंटम दो टाइप के हैं, एक है एंगुलर मोमेंटम और एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों में फ़र्क है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, राइट? एन टाइम्स ऑफ हेच अपॉन 2π, ये एक फिक्स वैल्यू हो गई, क्योंकि हेच की वैल्यू फिक्स है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 2 एक फिक्स नंबर हो गया, पाई 3.14, राइट? तो इस नंबर का इंटीजर मल्टीपुल होगा, डैट इज एंगुलर मोमेंटम, राइट? और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल डेट इज एजिमिथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और रूट अंडर ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, ये रूट के अंडर में है इतना, और ये हैच अपॉन 2π बाहर में है, राइट? इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, और जो हैच अपॉन 2π है उसको हैच कट से भी दिखाते हैं, तो एक ही बात है, हैच को इस टाइप से कर देंगे तो ये हैच अपॉन 2π के बराबर है, राइट? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एजीमिथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दें इसमें ऑर्बिटल वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? तो इस टाइप से, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्बिट या शेल से मतलब है, तो फिफ्थ ऑर्बिट मतलब फिफ्थ शेल के बारे में, तो क्या हो जाएगा? 5 times ऑफ हेच अपॉन 2π, जिसको आप कितना लिख सकते हो? 2.5 h/π, डेट इज ऑप्शन डी, राइट? इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, सिंपल और पूछे गए। सिमिलरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे ही s के बारे में बात हो रहा है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो s के लिए फिक्स है कि वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, चाहे वो 3s हो, 4s हो, 5s हो, 2s हो, कोई भी s हो, राइट? यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, वैसे यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजीमिथल पे डिपेंड कर रहा है। p अगर होगा तो उसके लिए l की वैल्यू 1 है, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2π हो जाएगा, जिसको आप रूट 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो h अपॉन रूट 2π ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट? सिमिलरली डी होगा तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो रूट 6 टाइम्स ऑफ हेच कट मतलब हेच अपॉन 2π, तो वेरी सिंपल है, ध्यान रखना कई बार पूछे गए। नाउ नेक्स्ट ट्रिक या कंसेप्ट 4, तो इसमें हम लोग बात करेंगे
कि जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा। तो वेरी सिंपल है, उसके लिए रफ़ी सर का सिंपल ट्रिक है। आप कैसे पहचानेंगे, तो जितना भी कट या टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ कट या टच ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड। ये अभी आपको निकालना बता दिया है, रेडियल नोड आप निकालेंगे उससे पता लग जाएगा कि वो कितना बार एक्स एक्सिस को टच या कट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एस सब सेल का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का रहेगा, तो इस टाइप का, ऑलवेज अप से शुरू होगा और डाउन में ख़त्म होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक बार भी टच नहीं है, तो इसलिए ये कौन हो सकता है, 1s का। कैसे, तो इसका रेडियल नोड निकालो, 1-0-1, तो 0 हो गया। 0 इंडिकेट क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस को एक भी बार टच या कट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये 1s का ग्राफ है, ये भी 1s का है, ये भी 1s का, ऐसे हम पहचान सकते हैं। ध्यान रहे कि एक ये जो साई है ये वेव फंक्शन या ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। चूँकि स्क्वायर कर दिया है तो जो भी नीचे का पार्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए ऑलवेज ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाइक करेंगे। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक होता है, डैट इज़ नथिंग बट कि आपने 4πr² से मल्टीप्लाई कर दिया साई स्क्वायर आर में, तो ये भी ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना हो कि ये कौन से ऑर्बिटल का है, तो राइट अप से स्टार्ट हो रहा है तो एस का होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब एस में कौन सा होगा, तो ध्यान से देखो कट कितना कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, दो कट कर रहा है, इसका मतलब ये 3s ऑर्बिटल का होगा। कैसे, तो आप रेडियल नोड निकालें तो कितना आ जाएगा, 3-0-1 डैट इज 2। तो 2 क्या बता रहा है कि दो बार कट होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो चूंकि दो बार कर रहा है इसलिए ये 3s का ग्राफ है। या यहाँ पे देखो दो बार टच कर रहा है चूंकि स्क्वायर कर दिया है, तो अब नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो दो बार ये टच कर रहा है इसलिए ये भी 3s का है, ये भी दो बार टच कर रहे हैं तो ये भी 3s का है। तो एक्स एक्सिस को कितना कट या टच कर रहा है उससे आप पता लगा लेंगे। यहाँ पर जो ध्यान देना है कि जब सिर्फ वेव फंक्शन हो तो वो निगेटिव में हो सकता है, जब स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव में रहेगा, और धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है। वेरी सिंपल है बनाना, ऊपर से देखो धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है, और ये वाला जो है डेट इज़ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जो ECG ग्राफ आप देखते हो ना वैसा ही टाइप है, धीरे धीरे पीक को बढ़ाते जाना है, क्लियर है। वैसे ही पी का ग्राफ कैसा रहेगा, तो 1p तो होता नहीं है, राइट, 2p से स्टार्ट होता है, तो 2p में देखो n2-1-1 डेट इज़ 0, तो 2p में एक भी कट नहीं आना चाहिए। तो ध्यान से देखो इन तीनों में एक भी एक्स एक्सिस पे कट या टच नहीं है, इसलिए ये किसका ग्राफ है, 2p का। अगर मुझे इसका पता करना हो ये किसका है, तो देखो डाउन से स्टार्ट हो रहा है तो पी वाला होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ध्यान से देखो 1, 2, 3 बार ये कर रहा है, इसका मतलब आपको रेडियल नोड कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 कब आ सकता है, जब 5-1-1 होगा, तो ये एक्चुअली में क्या होना चाहिए, 5p होगा। तो ध्यान से देखो 5l1 हो गया, -1 डेट इज 5-2 डेट इज 3, तो ये 5p का ग्राफ होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो 3 बार टच है, तो ये भी 5p का है, ये उसी का ग्राफ है, और यहाँ पे भी ये 3 बार टच है तो ये 5p का है। तो वेरी सिंपल ट्रिक है। अब आई होप कोई भी ग्राफ दे दे तो आप पहचान लोगे कि वो किसका है, या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जितना बार कट या टच कर रहा है उससे रेडियल नोड के अकॉर्डिंग आप पता कर लेंगे कि कौन सा होगा। हमारे सिलेबस में एस और पी का ग्राफ है इसलिए हमने उसकी बात की है। और एक पॉइंट का ध्यान रखना, जब साई स्क्वायर लेंगे तो धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है, और जब वो लेंगे तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करके दे दे और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू फाउंड, तो जहाँ पे पीक पॉइंट होगा वहाँ पे मिलते हैं, राइट। कर्व का मतलब यह है कि वहाँ पे वो ज़्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो पॉइंट ए पॉइंट सी, तो डैट मीन रीजन ए और सी में मोर लाइकली है कि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन बी 0 फॉर 1s ऑर्बिटल एंड सो ऑन ऑप्शन गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थिंक ही नहीं कर पाते हैं। वेरी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 किसके लिए होगा किसके लिए नहीं होगा, तो हमने बताया कि आप रेडियल नोड निकाल लें। तो 1s के लिए रेडियल नोड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो n-l-1 से 1-0-1 डेट इज 0। 0 बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट या टच नहीं करेगा, तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया।
सिमिलरली निगेटिव, तो निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये साई स्क्वायर आर है, ये फंक्शन का स्क्वायर है, तो ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो निगेटिव नहीं हो सकता। जीरो फॉर थ्री पी ऑर्बिटल, तो थ्री पी के लिए निकालो एन माइनस वन माइनस वन, तो डेट इज वन। वन क्या बता रहा है कि एक बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो इसका मतलब वहाँ पे जीरो हो जाएंगे, तो इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। नेवर जीरो फॉर टू एस ऑर्बिटल, तो टू एस के लिए निकलते तो टू माइनस जीरो माइनस वन डेट इज वन, तो यहाँ पे एक बार जीरो होगा जबकि नेवर बोल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो रेडियल नोड आप निकाल लेंगे, रेडियल नोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कितनी बार जीरो होगा या नहीं होगा। अगर रेडियल नेट की वैल्यू जीरो है मतलब एक भी बार वो एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा, वन होगा तो एक बार, दो होगा तो दो बार, तीन होगा तो तीन बार, वेरी सिंपल। और क्वेश्चन नंबर थ्री, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन को देख करके बच्चे डर जाते हैं। बेटा करना कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आर इज इक्वल टू आर नॉट पे रेडियन नोड फॉर्म हो रहा है, तो आर नॉट बताओ। तो रेडियन नोड जहाँ भी फॉर्म होगा आपको ध्यान रखना है कि एट रेडियल नोड ये जो साइन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये जीरो कब हो सकता है, ध्यान से देखो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये जीरो नहीं हो सकता, ए नॉट जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जीरो कब होगा, जब ये जीरो होंगे, दैट मीन्स टू माइनस आर बाई ए नॉट को क्या होना पड़ेगा, जीरो। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, बस समझना है। तो कभी भी स्टाफ से पूछे कि रेडियन नोड, तो रेडियन नोड पे फंक्शन को जीरो कर देना है, और जीरो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, यही जीरो होगा तभी जीरो हो सकता है, बाकी तो जीरो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू 2a0, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो आई होप मेरा ये प्रयास शेप नोड और ग्राफ वाला आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अब इस पे बेस आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू।